जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंडस्ट्री आती है, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उनका एक्सपोजर माइंड ब्रॉड होता है, उस बेसिस के ऊपर वो फिर इजीली जॉब प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके खुलना शुरू हो जाते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स। एक्चुअली ये है कि टारगेट कैसे करना है, दिस इज़ व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू लर्न। किस तरह सीवी प्रिपेयर करना है उन्होंने, क्या इंटरव्यू स्किल्स हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं उस जॉब के लिए स्पेसिफिक, दिस इज़ व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू टारगेट। अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को टारगेट करके कंपनी स्पेसिफिक प्रोफाइल्स बनाएंगे, सीवीज बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत ईजी होगा कि वो उन इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकें। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये सोचते हैं कि जैसे ही हम एजुकेशन से बाहर निकलेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पता नहीं हमें सिक्स फिगर सैलरी मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट द केस। हमेशा इंटर्नशिप से स्टार्ट लेना पड़ता है, नॉन पेड होती है, कुछ पेड हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये इस तरह के अगर जॉब फेयर्स लगेंगे तो हमारे लिए आगे जॉब्स ढूंढना जो मुश्किल काम होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है, और हमें पता लग जाता है किस किस्म की हमारे पास ये जॉब्स आगे हमें ऑफर हो सकती हैं, हमारे करियर्स के, हमारे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हम लोग आराम से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है फॉर लाइक फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ सेमेस्टर एंड सो ऑन, तो हर किसी के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी इससे एक्सेल कर सकते हैं, उनको पता चल सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह वो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आगे फर्दर वो एक्सेल कर सकते हैं उस फील्ड में। हम देखें तो दे आर लॉट ऑफ रिक्रूटर्स एचआरस यहाँ बैठे हुए हैं, एंड दे आर गाइड अस बिफोर गोइंग इन टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड के आप किस तरह अपने चांसेस रेज्यूमेस के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन से कि एक ट्रायल है, ठीक है, जहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हो, अपनी सीवीज ड्रॉप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए, ये आपको इंडस्ट्री वर्ल्ड में आने के लिए प्रिपेयर करता है कि आपने प्रोफेशनली अपना इंटरव्यू कैसे देना है। स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट है, डिफरेंट मीडिया से रिगार्डिंग और बिजनेस डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, बीबीए से रिगार्डिंग, उन तो आप रिसीवी रिज्यूमेस वगैरह सबमिट करा रहे हैं। ये इसके लिए कंपनी के लिए बेनिफिट ये होता है, फ्रेश लोड मिलती है उसको, फ्रेश स्किल वाले स्टूडेंट मिल जाते हैं, कंपनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये चीज़ें। जो सीवी वगैरह देते हैं वो कंपनी इन फ्यूचर अपने हायरिंग के टाइम पे उसको यूज़ कर सकती है।